सो लास्ट ईयर जब मैं कोरिया में आई थी तो हम हर सैटरडे संडे को नई से नई जगह पर जाया करते थे, और हमें होता था यार ये भी जगह देखनी है, ये भी जगह देखनी है, और आप सर्च कर करके जाया करते थे कि अच्छे से अच्छी जगह कौन सी है। तो काफ़ी सारी जगह तो हमने तभी देख ली थी, और क्या स्टिल अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम बिल्कुल नहीं गए हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार अगर तुमने सारी जगह एक ही दफ़ा देख ली तो फिर बाद में तुम कहोगे यार अब देखने को रह क्या गया है, हमने सारी जगह तो देख ली है। तो मुझे होता है हाँ वैसे ये बात भी सही है। तो चलो मैं फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं कि जहाँ पे हम लास्ट ईयर वहाँ पे गए थे ना, एक जगह मैंने सोची थी कि चलो वहाँ पे चलते हैं। तो वो कह रहे थे वहाँ पे कुछ नहीं होगा इन दिनों में ना, तो लास्ट टाइम जब गई थी तब गर्मियाँ थी तो तब ज़्यादा मतलब फॉल्स वगैरह लगे हुए थे और बड़ा खूबसूरत मतलब वो नज़ारा था। तो लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं हम वहीं चलते हैं, वहीं मुझे वहाँ पर बहुत मज़ा आया था तो हम उधर ही चलते हैं, वो जगह भी बहुत करीब है और शाम भी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो खैर लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे और एज नॉट एक्सपेक्टेड वो वहाँ पर मैं तो गई थी जना वाटरफॉल देखने के लिए, लेकिन जैसे ही पानी को ना पाके मेरी उम्मीदों पे तो पानी फिर गया था। तो मैंने कहा यार मैं इस जगह पे क्या और देखने को रह गया है, मतलब वो पानी का ही वो नज़ारा था जो इसको मैंने इन्जॉय किया था ना लास्ट टाइम, वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बट ये सारी जगह तो मैंने फिर भी डिस्कवर नहीं की थी, तो मुझे होता यार अगर कहीं गए हैं ना आप तो आप सारी उसकी जगह डिस्कवर करके आए हैं कि वहाँ पे और भी क्या क्या है। सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी होती है कि आप अगर वहाँ पे गए हैं तो बस एक ही जगह घुस जाओ और वहीं से निकल के बस वापस आ जाओ। तो मैंने कहा चलो हमने इस जगह को और डिस्कवर कर देंगे, यहाँ पे और क्या क्या है। लेकिन बेड़ा डोर लगाने से पहले मुझे था कि यार चलो कुछ खाने पीने के लिए तो ले लेना, कुछ छोटा मोटा ले लेते हैं। चलो था कि चलो आप इन्जॉय तो करना ही है तो थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए भी ले लिया जाए। तो हम चले गए थे ई मार्ट, वहाँ से हमने एक दो चीज़ें ली और फिर बस वहीं पे। तो हम चलते चलते जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक फूड स्ट्रीट नज़र आई, और वाकई यार मैं तो वैसे उस फूड स्ट्रीट में पहली दफ़ा गई थी और वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था, ऐसे जैसे हमारे पाकिस्तान में लिबर्टी मार्केट में या फिर इस तरह की मार्केट्स में अक्सर वो बाहर वो लगे नहीं आते। तो वहाँ पे मुझे होता था कि यार पाकिस्तान में तो ऐसी जगह पे गोलगप्पे भी मिल जाते हैं। तो मैं कही थी यार यहाँ पे हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे इतनी वैरायटी होनी चाहिए ना जैसे हम भी कुछ खा सके। जैसे वो कहते मसलन, मैंने कहा मसलन फ्रूट चाट, क्रीम चाट, दही भल्ले, समोसे, पकौड़े। तो कहते नहीं ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे तो हर एक चीज़ के साथ ड्रिंक ली जाती है तो यहाँ पे बैठना मुनासिब नहीं है। और भी घूमते घूमते मेरे हस्बैंड को याद है कि यहाँ पर मॉम स्टेज का भी एक रेस्टोरेंट होता था, तो खैर फिर हम उसकी तलाश में घूमने फिरने लग गए थे। तो खैर लेकिन हमारी किस्मत में था कि वहाँ का खाना, हमारे पाकिस्तान में बताते होते थे कि वो मॉम स्टेज का बर्गर ना इनका बहुत फेवरेट बर्गर है और बहुत बहुत ही मज़े का होता है। तो मुझे बस ये पता था कि बस इसका फेवरेट है और लेकिन हमने अब तक ट्राई नहीं किया था। तो कहते चलो आज तुम एक नई चीज़ ट्राई कर पाता हूँ, तुमने यहाँ का बर्गर नहीं ट्राई किया ना, तो चलो यहाँ से ट्राई करते हैं। एंड बिलीव मी इनके श्रिम बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त था और इनकी फ्राइज तो इतनी डिलीशियस थी। हमारे घर के करीब यहाँ पर ना आंसन में सबसे ज़्यादा करीब ये लोटेरिया ही था, तो हम अक्सर लोटेरिया से जाकर खाते होते थे। तो लोटेरिया का जो फ्राइज थी ना वो इतनी मतलब क्रिस्पी नहीं होती थी, बट इनका खाना वाकई ही बहुत ज़बरदस्त था और वाकई मुझे अच्छा लग रहा था। इनका वाह यार आज एक नई चीज़ ट्राई किया मैंने यहाँ की। वैसे तो मेरा प्लान होम प्लस को भी विजिट करने का था क्योंकि मैंने होम प्लस भी अभी तक वहाँ का विजिट नहीं किया था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं उसको खाना खाने के बाद विज़िट करेंगे, लेकिन खाना खाते खाते वहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई। फिर हमने कहा नहीं यार चलो अब नेक्स्ट टाइम ही सही, क्योंकि बारिश अगर तेज़ हो गई तो फिर हमें बस मिलना मुश्किल हो जाएगा। कि इस जगह से सिर्फ दो ही बसेस जाती थी आंसन, और पता नहीं था कि पता नहीं उसके बाद कब आएगी, तो बस वही एग्जैक्ट टाइम था जहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुँचे और वो बस आ गई थी, तो बस उसमें सवार हुए और वापस आ गए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।